भी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। छठ पूजा को गुजरे भी कुछ दिन ही हुए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है छठ पूजा की छुट्टी, फीचर्स अभिनव आनंद, अभिषेक जाहर TVF। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोगी चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। Should we go on a trek? बाट में भेट आ गेल गे अबला एकटा बाजी निया एकटा कुछ इस तरह से था वो सॉन्ग। अलार्म बज गया। क्या रे? चलते हैं चल। मतलब पार्टी का लक्षण नहीं छूटेगा ना? रात भर सो लेते तो आंखियां बलून जैसा नहीं ना होता। केकरा साथे गए थे? रवीना की करिश्मा। पूरा चिल किए हैं रात भर नहीं? हाँ भाई, चिल तो बहुत किए। कहाँ खो गए भैया? क्या वो बताओ, किसका फैसला? ये खत्म कर लो तो और मिलेगा। अबे ये मिश्रा का फाइल हमको कहे दे दिए। मिश्रा की दादी बीमार है ना, वो घर गया है, तो तुम ही करना पड़ेगा। सब बुझ रहे बेटा, वो मिश्रा मुजफ्फरपुर का है, छठ के टाइम पर काहे उसकी दादी नानी बीमार पड़ रही है सब जान रहे हैं। टेंशन ना लो, अभी त्रिवेदी, शर्मा, द्विवेदी सबका फाइल तुम ही करना है। सुनो, ऐसा है, बॉस मत बनो, समझे? हम अपना काम खत्म कर लिए हैं, बॉस के पास जाएंगे, बॉस हमारे से वैसे ही खुश हो जाएंगे। हैं, हम किसी काम नहीं करेंगे। तुम निकलो, चलो निकलो और चाय लेके आओ। अच्छा सा तुम कंपनी ज्वाइन किए हुए एक महीना नहीं हुआ और महीने भर की छुट्टी चाहिए? हां, तुमको फाइल बनाने बोलता हूं तो जाके बॉडी बनाते हो? गेट आउट, गेट आउट। अरे अमन। हाँ बॉस। अरे ये गुप्ता इन स्टेपसंस वाला प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है मालूम है ना तुम्हें? रोहित है ना उस पर। हाँ, और यार ये जो ब्रिलियंट एम्प्लॉयज है ना, इनके भरोसे रहे तो प्रोजेक्ट छूट जाए, ठीक है? तो एक काम करूँ, शाम तक इसका प्रेजेंटेशन रेडी कर दूँ और अच्छा सुनो, शाम को ना 4 और कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, तो उनका काम भी मैं तुम्हें दूंगा, है ना? तो इसको फटाफट कर, ठीक है? ऐसा भी होता है? I don't know. शुक्र है मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता। भाई स्कूल की जॉब में तो ऐसा नहीं होता। हाँ मैं बनाम। सरहा बाबा, छाट के गेहूँ धोवा के लो, तोरे पिसवा ना हो का भाई बा? हाँ तो हम ही पिसवाएंगे, कौन पिसवाएगा? और छुट्टी मिल जाए पहले। छुट्टी ले ला जल्दी, ढेर काम हो, सब तोरे करना हो। हाँ अभी 5 साल बाद हो रहा है छठ, हम नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? है, आते हैं एक बार, छुट्टी हो जाए ना तब आते हैं। चलो रखते हैं, ठीक है? नाम लग रहा है सर। चाय नहीं चाहिए भाई। अरे पी ना लीजिए सर, वैसे भी कल से हमारे हाथ का चाय नहीं नसीब होगा। ऐसा अगर हुआ तो ऑफिस बड़ा खुश नसीब होगा। ज्यादा खुश मत होइए, वो कहा है ना कि हम छठ में जा रहे हैं घर, फिर आएंगे तो हम ही पिलाएंगे। तुमको भी मिल गया छुट्टी? और नहीं तो क्या, वो कहा है ना कि विद लेस पावर एंड लेस सैलरी कम्स लेसर रिस्पांसिबिलिटी। नाउ होल्ड माय चाय, क्योंकि हम चले अपने गांव। टाटा बाय बाय।
ये तो केजीएफ वाला मुझे लग गया वो मोर पावर मोर रिस्पांसिबिलिटी नहीं पावरफुल पीपल कम फॉर हां लालटेन खून और छाप रहा है ना आओ की छठ में सब खर्चा तोरे से करवा देंगे सब लाइकन जुट रहा है कैसे कैसे उम्मीद हो गया ना एक बंदे से अभी से लक्ष्य बनवा आ रहा है चिंटू का दिल्ली से फेंकना मुंबई से रेखो आ रही है भाई घड़िया के साली हां खूब मजा आएगा आओ ना जल्दी अबे क्या बताएं भाई लालटेन छुट्टी नहीं दे रहा है यार यहाँ पे अरे तो ब्रह्म बाबा का नाम लेके मांगो ना छुट्टी कंतारा के पिजुरली देव से कम शक्तिशाली है तुरंत मिलेगा भाई यहाँ सबसे बड़का बाबा हमारा बॉस है वही नहीं सुन रहा है तो क्या बोले बॉस के गोड़ में लटक जाओ बोलो कि जब तक छुट्टी नहीं दीजिएगा तब तक आपका गोड़े नहीं छोड़ेंगे नस काट लेंगे बलि चढ़ा देंगे जहर खा लेंगे नहीं मानता है तुम्हारा साला नौकरी के हम तुमको नौकरी लगवाएंगे भाई लालटेन तुम्हारे दिमाग में लगता है तेल कम हो गया है कुछ से कुछ अंट संट आइडिया दे रहा है ढंग का कुछ बोल नहीं रहा है रखो यार फोन तुम प्लीज सर छुट्टी दे दीजिए प्लीज सर आप मर जाएंगे सर छुट्टी दे दीजिएगा तो सर प्लीज सर छुट्टी दे दीजिए सर नस काट के यही मर जाएंगे सर प्लीज सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए सर मैं सर पीछे निकले वॉशरूम में दरवाजा खोलना थोड़ा और लाना पड़ेगा हो ही सकता है सर प्लीज सर आपका सिस्टम से माथा फोड़ लेंगे सर प्लीज सर आपको जाते हुए सर सर ये ठीक लग रहा सर मैं कह रहा हूँ मैं सर अपनी बलि चढ़ा दूंगा सर सर नस काट लूंगा सर मैं अपनी यहीं पर खून में लथपथ होकर गिर जाऊंगा सर प्लीज छुट्टी दे दो मुझे सर प्लीज अरे दे दी ना परमानेंट छुट्टी दे दी यू आर फायर्ड अरे अमन क्या हुआ सर हमने सारा काम खत्म कर दिया है सर गुप्ता एंड स्टेपसंस का भी सारा फाइल खत्म हो गया लेकिन बाकी के काम का डेडलाइन तो 10 दिन बाद का है सर उसको बाद में ही करते हैं ना तो एक काम करते हैं हम सब 10 दिन की छुट्टी लेके गोवा चले जाते हैं अरे फिनिश इट ये काम खत्म करोगे तो और मिलेगा सर माँ बहुत दिन बाद छठ रखी है चाह रही थी कि हम घर आ जाएं और तुम क्या चाह रहे थे हम भी यही चाह रहे थे सर कि घर चले जाएं एक बात बताओ मैं भेज दें क्या कंपनी और मैंने छुट्टी सर आप सरकास्टिक हो रहे हैं सर छठ का छुट्टी मांग के कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं ठीक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर ऑफिस में काम ज्यादा है और एम्प्लॉयज कम मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि ये संडे की छुट्टी का ऑप्शन हटा दूँ क्योंकि देखो होली दिवाली पर मेरा बस नहीं है अरे छठ पे छुट्टी का कोई ऑफिशियल प्रचलन तो है नहीं तो ये जो दिवाली पे छुट्टी मनाया उससे काम चलाओ ना ये जो छठ वट तो तुम वीडियो कॉल पे सेलिब्रेट कर सकते हो यार सर दिवाली में हम नहीं छुट्टी लिए थे यहीं पे रह के पूरा काम खत्म किए हैं सर ताकि छठ पे छुट्टी ले पाएं सॉरी छुट्टियां स्वॉप नहीं हो सकती ठीक है ये एक नेशनल कंपनी है और छठ एक रीजनल फेस्टिवल है और ऐसा क्या है इस फेस्टिवल में कि मतलब उसके लिए तुमने अपनी दिवाली कुर्बान कर दी भाई हैं इतनी सारी छुट्टियां ऊपर से ये छठ फेस्टिवल छठ फेस्टिवल नहीं है सर छठ इमोशन है घर का एहसास है सर माँ का त्याग है दोस्त लोग का साथ है सर हमारी बचपन की यादें हैं आप पिछले 6 महीना में हमको 5 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिए हैं आप जानते हैं सर इसमें भी छठ का बहुत बड़ा योगदान है हम आपको बताते हैं कैसे बचपन में ना सर हम लोग जब दिवाली मनाते थे तो सारा फटाका नहीं फोड़ते थे कुछ फटाका बचा के रख लेते थे ताकि उसको छठ के दिन फोड़ा जाए वहां से सर एक सेंस डेवलप हुआ रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर जो आज भी हेल्प करता है अपना यार दोस्त के साथ मिलकर पूरा छठ घाट को ऐसा झाड़ू मार के सर साफ करते थे कि वहां पे अपना मुंह देख ले कोई इतना चकमका जाता था वहां से सर डेवलप हुआ कि टीम वर्क में कैसे काम किया जा सकता है अपना ममेरा भाई फुफेरा भाई सबके साथ गांव गांव घूम के सर खरना का प्रसाद खाने जब जाते थे ना वहां समझ में आया कि पब्लिक रिलेशन भी कितना जरूरी है सर डूबते हुए सूरज के आगे जब हम लोग हाथ जोड़ते हैं ना सर उससे ये सीख मिलती है कि एक फेल हो रहे एम्प्लॉय को भी अगर ठीक से चीयर अप किया जाए ना तो एक दिन वो भी आग लगा देगा सूर्योदय से पहले उठकर टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट का ज्ञान पूरा दुनिया में बांटते हैं लेकिन सर बाट तब को झील और सावर को झरना समझने वाला लोग नहीं समझेगा कि गंगा जी में तैरने का सुकून क्या होता है दे दीजिए सर सारा काम दे दीजिए हम सारा काम अपना खत्म करेंगे बगल वाले 1-2 कंपनी का काम भी ला के दे दीजिए वो भी खत्म कर देंगे सर 36 घंटा से ज्यादा एक बेटे के लिए भूखी रहने वाली उस माँ के त्याग से भी तो कुछ हमको सीखना चाहिए ना तो हम सीख लिए सर हम अपने इमोशन को यहीं पे त्यागते हैं नहीं जाएंगे घर सर अपना अपना जीवन हम पूरा इस कंपनी को समर्पित कर देंगे सारा काम खत्म करेंगे सर आज
ऐसी स्पीच दी थी मैंने 25 साल पहले, तब से छुट्टी तो नहीं मिली लेकिन काम जरूर कर दिया। शिट, अच्छा तो काम कर। ओह माय गॉड, इतने सख्त लोग होते हैं। प्रणाम माँ। अच्छा सुनना बेटा, एक तो धोती है वो पियर का गमछी ले ली है। पापा को बोलो ना ये सब करेंगे, सब काम हम ही करें क्या हैं? आना मेरा मुश्किल लग रहा है, हम नहीं आ पाएंगे शायद। का है बेटा? छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। ना है मैं तो गेहूं के पिसावा। अरे पापा पिसे थे ना, वो के पिसे थे। चल रखो अभी, प्रणाम। आई थिंक छुट्टी मिल जाएगी ना। हाँ पप्पा के मना कर दें हर गेहूं तो हम ही पिसवाई भाई आवे थियो। हाँ प्रणाम, जय छठी मैया। हे का ओके, हैप्पी छठ पूजा गाइस। कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो हमें बताइए कमेंट्स में, क्योंकि अगर पसंद आया है तो वेट कीजिए गाइस, क्योंकि और एक एपिसोड आने वाला है। अमन की कहानी यही खत्म नहीं हुई है। एग्जैक्टली, ये कहानी आगे भी कंटिन्यू होगी, जिसका अगला पार्ट रिलीज होगा द स्क्रीन पत्ती के यूट्यूब चैनल पे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, कुछ भी हो सकता है। yes. बस इंतजार करते रहना, इंतजार yes. करते रहना। और ये वाले वीडियो को फैला दो भाई, मजे लो इस वीडियो का, हम लोगों ने बहुत दिल से बनाया है। और अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें एक और एक्टर है, लेकिन मुझे पता नहीं वो एक्टर कौन है। कमेंट में गेस करके बताओ कि वो एक्टर कौन है कि नहीं बद्री, प्लीज। ठीक है भाई, आज की वीडियो देखकर जो है बहुत मजा आया, लेकिन जो है शुक्र है कि कभी जिंदगी में इस तरह के ऑफिसेज जो है वो नहीं देखने को मिले कि जहाँ पर जरूरत पड़ने पे आपको छुट्टी जो है वो ना मिले। मतलब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें एक अच्छी जगह पर काम करने का मौका नहीं मिला? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि छुट्टी शुक्र है मिल जाती है। हाँ, मतलब इतना ओवरबर्डन नहीं किया जाता हमारे। वैसे भाई स्कूल के लिहाज से अगर बात करें तो मुझे लगता है स्कूल की लाइफ तो बहुत बेहतर होती है, फिर इस हिसाब से इतना टेंशन नहीं होता। और जब आपने छुट्टी करनी हो तो आप कर भी लेते हो। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि स्कूल वाले कहते हैं नहीं आज एक टीचर ने छुट्टी करनी है तो आपने नहीं करनी, तो फिर भाई अगर आपका दिल होता है तो आप छुट्टी कर लेते हैं, वो फिर आप इतना नहीं सुनते। पता नहीं ऐसे मैंने अपनी शुक्र है कि अपनी जो यू नो जो जॉब वाला एक कहेंगे टाइम था उसमें जो एक इन्वायरमेंट देखा, बहुत ही प्लेजेंट इन्वायरमेंट देखा मैंने। और वैसे जो यहाँ पर बॉस थे दिल के वो बुरे नहीं थे, लेकिन वो होता ना बंदा ऊपर से सख्त बनता है, बंदा फिर वो काम नहीं करवा सकता, तो वो थोड़े उस टाइप के थे। यार इसमें कोई शक नहीं, काम करवाना है तो आपको जो है बेशक आप जितनी मर्जी अच्छे हो लेकिन काम के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत सख्त होना पड़ता है, वरना जो है काम नहीं होता। क्योंकि समटाइम्स अगर मेरा वीडियो बनाने का दिल ना कर रहा तो ईमानदारी थोड़ी सख्त हो जाती है, फिर मैं काम करता हूँ। तो ये हकीकत है, काम कराने के लिए समटाइम्स आपको सख्त होना पड़ता है। मौजम ने तो कोई और ही बात कर दी। नहीं मैं तारीफ की आपकी है, मुझे नहीं पता था मौजम ये बात करने लगा। लेकिन मेरा नेचर थोड़ा इस तरह का कि मेरे से आप सख्ती से काम नहीं करवा सकते, मेरे से प्यार से काम करवा सकते हो। अगर कोई मेरे से ज्यादा सख्ती से या रूड होकर बात करे तो फिर मैं तो भाई फिर मैं नहीं, वैसे ये रूड ज्यादा नहीं होती, यानी कि नहीं बनानी नहीं, है तुम्हारे साथ ही बात करी, तुम्हारे साथ ही बात करी। मैं अपनी करियर की बात कर रही हूं कि जब मैंने जॉब की थी तो मेरे साथ अगर कोई इस तरह से ज़्यादा बात करे तो मुझे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत लॉयल्टी के साथ करती हूँ, और यानी कि मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं ऊपर ऊपर से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी टीचिंग के टाइम में, ऐसे टीचर्स को भी देखा है कि जिनका पार्टी में ज़्यादा एक हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रहता था, बच्चों को पढ़ाने में कम होता था,
तो मैं कभी भी उस तरह से, मुझे वो कभी इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता था उस तरह के लोगों का, उस लोगों की कंपनी एग्जैक्टली मैं बोलूँगी ये पसंद नहीं आती थी। बट खैर मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट मैं अपनी नेचर बता रही हूँ, तो इस वजह से फिर मैं सख्ती भी बर्दाश्त नहीं करती कि ठीक है अगर मैं काम अच्छे से कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर चढ़े। और अभी वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो में मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने यू नो छठ पूजा के जितने भी हम कहेंगे कि उसकी जो रिचुअल्स हैं उनको रिलेट किया प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, किस तरीके से उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल हम करियर की बात करें उसको सीखा, एक ट्रेनिंग हुई उससे रिलेट करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरा मैं हमेशा ये बात सुनती भी हूँ कमेंट सेक्शन में जब मैं पढ़ती हूँ कि छठ पूजा एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है। सो स्पेशली जो बहुत ज्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो मैंने सुना कि बिहार में बहुत ज्यादा लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। यार वैसे अभी तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो उन्होंने बीच में सारी यानी चीजें रिलेट की ठीक ना, जैसे पब्लिक रिलेशंस की बात की, ग्रुप में बात की, टीम मैनेजमेंट की, तो बाकी देखा जाए तो आप फेस्टिवल से कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सीखते हैं। फिर वाकई में कुछ स्टेट जैसे यूपी की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा झारखंड में भी मनाई जाती है। और मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो है मुझे ढेर सारी तस्वीरें जो है भेजी, इतना मजा आया ना मेरी तस्वीरें देखने का। लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई थी, फिर जिस तरह जो है वो यानी कि जो जो उन्होंने तस्वीरें भेजी ना, फिर जो जो चीजें उन्होंने उठाई, जो जो वहाँ पे हुआ वो सब मुझे देखे बहुत मजा आया। वैसे इस वीडियो के स्टार्ट में जो शॉट्स थे वो बड़े खूबसूरत थे, मतलब जो नदी के थे और मतलब सब फीमेल तैयार हुई हुई थी। और अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूंगी, फीमेल्स को मैंने देखा है कि उन्होंने जो आई थिंक सिंदूर लगाया हुआ था ना शायद, हाँ जी, वो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है। तो ये इस जो फेस्टिवल का कोई खास हिस्सा होता है कि इस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी वीडियो देखी थी उसमें भी जो फीमेल होती है इसी तरह से सिंदूर लगाती हैं। और भाई क्योंकि पिक्चर्स की अभी मौजम ने बात किया है, तो मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे सब सब्सक्राइबर्स को जिन लोगों ने हम लोगों को दिवाली की पिक्चर्स भेजी थी। और मैं दिग्विजय को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी हम लोगों को पिक्चर्स भेजी थी। चलें कभी कभी सही, लेकिन एटलीस्ट आप हमें ईमेल तो कर ही देते हैं। वैसे बाकी उनकी ईमेल का नोटिफिकेशन आया था ना, मैं भी एकदम ईमेल लिख रहा है, लेकिन खुशी ये होती है कि मतलब उन्होंने ये भी मतलब बोला कि चाहे मैं कभी कभी सही लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि जब इतने टाइम से जुड़े हुए सारे हमारे दोस्त जो हैं वो हम लोग को ऑन एंड ऑफ ईमेल्स लिखते रहते हैं। बाकी जो रूटीन से लिखते हैं उनके भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम भी मोटिवेट होते हैं। और हमारा भी जो कहते हैं ना कि आपकी ईमेल सिर्फ ईमेल ही है, हमारे लिए एक इमोशन है। बिल्कुल सही बात है। सीरियसली ऐसा होता है समटाइम्स, मुझे ईमेल समटाइम्स मुझे अक्सर ईमेल्स पढ़ने का बहुत मजा आता है। सो अब मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी ईमेल्स जो हैं वो लिख सकते हैं। बाकी ये कि यार इवन कि कभी कभी इस तरह भी होता है, आपका मूड स्विंग हो रहा हो ना, मूड अच्छा ना हो, तो एक ईमेल कभी कभी ना उस टाइम पे ऐसी आ जाती है जो आपको इतनी क्लिक कर जाती है कि आपका सारा मूड अच्छा हो जाता है, आप अच्छा अच्छा फील जो है ना करना शुरू हो जाते हैं। ओके और अब यहाँ पर बाकी सबने मेरे से वो नहीं कंप्लेन नहीं करनी कि भाई दिग्विजय सिंह क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि काफी टाइम के बाद उनकी ईमेल आई थी बिल्कुल, तो इसलिए मैंने उनका जिक्र कर दिया है। बाकी आप जरूर बताइएगा भाई छठ पूजा पर आप लोग क्या आप लोगों को छुट्टी मिलती है या वाकई में छुट्टी के इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद छठ पूजा आती है तो दिवाली पर ऑलरेडी छुट्टियां होती हैं, तो शायद फिर उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता हो। मेरा तो वैसे ख्याल है कि जिन स्टेट्स में ज्यादा मनाई जाती है उनमें तो छुट्टी पक्की होती होगी ना, बाकी बड़े शहरों में। बाकी वैसे अगर देखा जाए, जब हमने जो है मनोज सर की जो है वीडियो देखी थी तो उसमें तो यही कहा था कि सारे चले जाते, तो मेरा ख्याल है कि शायद ऑफिशियल छुट्टी तो मिलती होगी। अच्छा ऐसे पूछते हैं कि आपके ऑफिस में अगर कुछ लोग जो के बिहार से या झारखंड से या जहाँ जहाँ पर ये ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है, तो क्या उन्हीं को सिर्फ छुट्टी मिलती है या बाकी सारे स्टाफ को भी मिलती है, ये बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। इसी साथ गुड बाय। नहीं आपने ज्यादा तेजी से की है, स्लो मोशन में था। सही है।
स्टार्ट।